कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का जज्बा है। आप याद कीजिए 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाऊ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया, जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। 2019 में जब दूसरा चुनाव आया उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया, 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है, याद है ना, चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है और राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे, राफेल लेकर के मंच पर भी, इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं, उस समय राफेल लेके घूम रहे थे, एचएल को लेकर के भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए, इतना हाल उनका खराब कर दिया। साथियों 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से हैं, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और एनडीए गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गप्पाजी, यही उनका काम है। कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है, तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे, ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और देखिएगा इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। साथियों अभी चुनाव के दो चरण पूरे हुए हैं, पहले चरण में एनडीए गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है, राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं, ये हाल है इनकी। और इसलिए एनडीए गठबंधन बोगलाट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है।
जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है, अरे आओ ना यार, दो दो हाथ कर लो।